Hello friends, how are you? Hope you all are good and safe at your home. काफी दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा ये बताना मेरा फर्ज है कि काफी चीजें लाइफ में ऊपर नीचे हो गई थी तो मैं भी इस पे ब्लॉग्स नहीं कर पा रहा था, कुछ बिजनेस में वो बाकी चीजों में इन्वॉल्व था। तो एज यू कैन सी गाइस, ये मॉल बिल्कुल अलग है, मॉल जैसी फील नहीं है। आपको एक मूवी सेट का या राजा महाराजा वाला इस टाइप की बिल्डिंग फील है। हम लोग भाई सच्चाई है कि बहुत तेज की भूख लगी है तो फिलहाल हम लोग फूड कोर्ट वाले उस पर तो आ गए फ्लोर पे, बट अभी फूड कोर्ट जैसा कुछ दिखा नहीं है क्योंकि अभी ये देख सकते हो सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ क्राउड है नहीं, लिमिटेड धोखा हुआ है। फूड कोर्ट बोल के ये अब फूड कोर्ट पे ये कपड़ों का दिख रहा है तो कुछ भी हमें फूड कोर्ट जैसा दिख नहीं रहा है। सेकेंड फ्लोर के बदले ग्राउंड फ्लोर पे उतर गए इसलिए कोई फूड कोर्ट जैसा कुछ दिखा नहीं। भैया फूड कोर्ट ऊपर है तो ये गलती हमारी है। सो फाइनली हमें ये खाना मिल चुका है, ये कुछ है मेरे काम का हांडी चिकन और ये संदीप के काम का है, ये है कुछ आलू है, ये कुछ बर्गर है संदीप के काम का है, मेरे काम का मिल गया भाई। तो मुझे भूख लगी है तो फटाफट पहले खाने को निपटाता हूँ उसके बाद मैं वीडियो शूट करूँगा। तो ये बढ़िया है ना, ये जैसा बनाया हुआ है, बढ़िया सा बनाया हुआ है। अब ये हम लोग खाना खा कर आ गए ग्राउंड फ्लोर पे, ये देखो ये व्यूज आपको दिखेगा गजब का। शॉपिंग करेंगे तो नाव में घूम पाएंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता है आपको, लाइक वैसे वाली फीलिंग आएगी जैसे कि बड़े बड़े महल वहल होता था, वैसे वाला कुछ ऐसा फील आएगा आपको। और अभी तो बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है बट यहाँ पे सारे शॉपिंग ब्रांड्स हैं, हाँ कॉफ़ी पी सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एक सेकेंड, और यहाँ पे कुछ अलग चीज़ है एज यू कैन सी। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है भाई, ये बोटिंग का क्या कंडीशन है, वोटिंग कब कर सकते हैं, मतलब उसके लिए क्या शॉपिंग करना पड़ता है? यस यस, हाँ हाँ, कितना, जैसे ये व्यूवर्स को बताने के लिए शॉपिंग करना 4000 की शॉपिंग करनी पड़ती है। हाँ तो ये भाई यहाँ पे इनोग्रेट करते हैं सारी चीज़ें, यहाँ पे लाइक शिप पे आपको जाना हो उसके लिए आपको 4000 की शॉपिंग मिनिमम करनी पड़ती है तो ही जा सकते हैं। पैसे से भी जा सकते हैं? पेड नहीं, पेड अलाउड नहीं है यहाँ पे, मुझे अभी तक पता था कि पेड है बट पेड अलाउड नहीं है। 4000 में कितने लोग जा सकते हैं? 4%। तो 4000 का आप करते हो फैमिली के साथ हो या एक साथ भी आया हो तो 4% अलाउड होता है। और ये यहाँ से अलग अलग जगह से घुमाते हैं तो आपको शिप पे बेसिकली जाना है तो आपको 4000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी। चार लोग अलाउड हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो या दोस्तों के साथ आते हो तो अलाउड हो, है ना। और मैं कुछ ज़्यादा ही खुल चुका हूँ कॉफ़ी पीने का क्योंकि इसको थोड़ा सा जुकाम खाम जैसा हो रहा है तो अभी हम लोग कॉफ़ी ढूंढ रहे हैं कहाँ जाएँ। ओवरऑल अच्छा है, अभी बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंग सा है, मतलब मॉल इस टाइप के मॉल आपने शायद नहीं देखे होंगे, थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग आएगी। महल जैसे पैलेस, महल पैलेस जैसा कुछ ऐसा है फ्यूर, तो है तो यूनिक जगह यहाँ पे आ सकते हो ऐसे में घूम सकते हो। यहाँ पे ये बच्चों के लिए तो हम लोग भी घूम सकते हैं, मेरा तो मन कर रहा है इस पर जाऊँ। तो कुल मिला के बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिन बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, फुल एनर्जी है। एक मीटिंग के लिए आया था नियर बाई तो आगे संजोग से बहुत टाइम्स प्लानिंग थी बट कॉफ़ी पिला रहे, कुल मिला के अच्छा लग रहा है। तो अभी कॉफ़ी ढूंढने वाले हैं, लोग पूछते हैं यहाँ पे कॉफ़ी मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ये हम लोग आए हैं। प्लीज़ ऑर्डर एट दिस काउंटर,
before you find your seat. Before you find your seat. As you can see, please order at the counter before find a seat. Right. ये रही हमारी कॉफी. फर्स्ट क्लास चूतिया टाइप कॉफी बनाई है. कैसी कॉफी चूतिया? फर्स्ट क्लास चूतिया कॉफी बनाई है. बहुत दिन बाद ऐसी घटिया कॉफी पी है मैंने. ये देखो भाई, अब मैंने तो पी नहीं, अभी संदीप ने पहले ही बोल दिया कि पता नहीं चूतिया टाइप की कॉफ़ी है. अभी देखता हूँ कैसी कॉफ़ी है. तो ये कॉफ़ी है ना, दो कॉफ़ी है ना, दो कॉफ़ी, ये 500 की कॉफ़ी. इससे अच्छे कॉफ़ी हम लोग ऑफिस में, हमारे स्टाफ हाफ लीटर दूध और दो रुपए वाले पैकेट से जो कॉफ़ी होता है उससे, इससे अच्छी कॉफ़ी बना देता है. ये साला 500 की दो कॉफ़ी. बट मजबूरी है भाई, वेनिस मॉल में बैठे, क्या कर सकते हैं. भाई संदीप ने सही बोला था, वहीं वैरायटी का की कॉफ़ी है. मैं वैरायटी का एक्चुअली मैं जल्दी गाली गलौज नहीं करता. अभी तो बेशरम नहीं, बेशरम बन रहा था, लेकिन उसमें भी एक संस्कार है, संस्कारी टाइप के बेशरम. साथ में कोई और हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे भाई बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एक नंबर की थर्ड क्लास कॉफ़ी है इसमें. इसका ये रिव्यू है, कॉफ़ी पीती है तो बेशक बाहर चले जाना, मॉल से निकल के पी लेना, है ना. 15-20 रुपये की कॉफ़ी इससे ज़्यादा अच्छी होगी. 500 रुपये की दो कॉफ़ी बहुत ही थर्ड क्लास के. किसी के साथ आए हो तो शॉप के चक्कर में नहीं, हाँ ऐसे बैठना हो, तुम्हें थके हो तो अच्छा जगह है. हमने ट्रायल तो के लिए पिया है इसको. हाँ ट्रायल के लिए पिया, बहुत ही घटिया है. इसकी सबसे बढ़िया कॉफ़ी हमने लिया, फिर भी बेकार है. तो यहाँ आकर बैठ सकते हो, कुछ और सस्ती चीज़ें ले सकते हो. अगर किसी के साथ हो, टाइम पास करना है, नॉर्मल यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवाने हैं, तो सस्ती चीज़ें लेकर बैठ जाओ, महंगी चीज़ें मत लो. फूड कोर्ट का ये रिव्यू है कि फूड कोर्ट पे सारे ही ब्रांड हैं ऑलमोस्ट, तो वहाँ पे फूड कोर्ट में आप जा सकते हो, खाना खा सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है भाई. मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, बर्गर किंग संदीप नहीं बढ़िया, यहाँ बर्गर किंग के और भी जगह के बर्गर अच्छे होते, बट यहाँ के अच्छे नहीं लगे. करीम का मैंने जो भी है लाइक क्या खाया मैंने, हांडी नहीं, लात नहीं हांडी चिकन खाया. तो मैं कहीं और के खाता हूँ तो अच्छा होता है. यहाँ का बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस था मेरा. मैं कैसे भी, क्योंकि पैसे लग गए थे मेरे, थोड़े बहुत भूख भी लगी थी तो खाया. तो कुल मिला के ठीक है. अभी मे बी अब ज़्यादा क्राउड नहीं है इसकी वजह से, या आई डोंट नो किस क्या है, बट जगह अच्छा है, आप आ सकते हो, आप घूम सकते हो. जिस चीज़ के लिए है मॉल, मॉल में घूमने जा सकते हो. बाकी ओवरऑल अभी तक का ये रहा एक्सपीरियंस कि ठीक ठाक है. खाने वाले आइटम सारे घटिया मिले मुझे. तो एक घटिया सी कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. कैसे चलना है, ऊपर नीचे कहाँ से चल रहे हैं? अभी हम लोग एग्जिट कर रहे हैं बिकॉज ज़्यादा लेट होने पे फिर अभी 4 बज चुका है और काफ़ी ट्रैफिक मिलेगा. तो मुझे अभी डायरेक्ट ऑफिस के लिए निकलना है, तो मे बी शायद हम लोग लेट हो जाएं या ट्रैफिक में फंस जाएं, इसलिए हमें निकलना पड़ रहा है सो दैट 6 बजे से पहले हम एटलीस्ट अपने घर पे पहुंच जाएं, मतलब ऑफिस पहुंच जाएं. कुल मिला के अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब अच्छा है. आप लोग आ सकते हो अगर वेनिस मॉल के लिए. ये वेनिस मॉल का एक छोटा सा मैंने सोचा ब्लॉग बना लूँ, तो काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट आई थिंक 2 महीने से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया. तो अभी कोशिश करता हूँ कि रेगुलर तो नहीं, वीकली एक वीडियो डालूँ और थोड़ा कंटिन्यू हो. क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लाइक आप को कोई स्टेयर्स या समथिंग फैसिलिटी नहीं है. अगर आप स्टकअप हो जाते हो तो आपको डिपेंडेंट रहना है कि आप लिफ्ट से ही आ सकते हो. ये सब चीज़ें हैं अभी, शायद मे बी अंडर कंस्ट्रक्शन हो या बाकी चीज़ें हों. तो दोस्तों मैं अभी ऑफिस आ गया था, उसके बाद काफ़ी थका हुआ था और वो कुछ पेंडिंग काम थे जिसको मैंने निपटा लिया. और अभी सारे एम्प्लॉई ऑफिस जा चुके हैं, मैं और संदीप अभी कुछ काम कर रहे थे. इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. अभी हम मैं भी घर निकलने वाला हूँ, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. और ऐसे ही वीकली वीडियोस मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक बनाते जाऊँगा. और एक और चैनल मैं प्लान कर रहा हूँ
जल्दी इसमें इंट्रोड्यूस करने का, जिसमें कुछ मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा उसमें कि क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, और वो वीकली वीक पे कोशिश है अभी फिलहाल, वी आर नॉट श्योर कि दो वीडियो हम उस पर डालेंगे उस चैनल पे, बट अभी हम लोग श्योर नहीं है कि कितने इस पर वीडियो जाएंगे। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। टिल देन जय हिंद।